खबर राजगढ़ से है। प्रदेश समेत भारत में बेटियां कितनी सुरक्षित हैं और खासकर मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन का केंद्र होने का संदेश देने के लिए राष्ट्रीय एथलीट व पर्वतारोही आशा मालवीय साइकिल यात्रा पर निकली हैं। देश के कोने कोने में जाकर 20,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर 11 माह में दिल्ली पहुंचेगी। सोमवार को राजगढ़ पहुंचने पर आशा का इंदौर अहमदाबाद फोरलेन बाईपास पर प्रेस क्लब अध्यक्ष दीपक जैन के साथ सभी पत्रकारों ने स्वागत किया। राजगढ़ जिले के खिलचीपुर ब्लॉक के नाटाराम गांव की 24 वर्षीय आशा राजूबाई मालवीय ने बताया कि मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के दिन से भारत भ्रमण पर निकली हूं। यहां पर यात्रा 20,000 किलोमीटर लगभग रहेगी और प्रदेश व देश में बेटियां सुरक्षित हैं और पर्यटन स्थलों को व महिलाओं को खासकर एकल महिला यात्रियों के लिए और अधिक सुरक्षित तथा सुगम बनाने के लिए लोगों को जागरूक कर रही हैं। और महापूर्व संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर से मिलकर इच्छा जताई, मंत्री ने पर्यटन बोर्ड की तरफ से रवाना किया। आशा ने बताया कि ये इस यात्रा को यादगार बनाते हुए OMG बुक में दर्ज हैं और वे यहाँ से झाबुआ जिले की रवाना हुई। आप कहाँ से इस यात्रा को लेकर निकले हैं और आपका क्या संकल्प है? मेरा नाम आशा मालवीय है। मैं मध्य प्रदेश की राजगढ़ जिले के छोटे से गांव नाटाराम से हूँ और मैं एक मजदूर परिवार से हूँ। मेरी माँ मजदूरी करती है, मजदूरी करा के मुझे पढ़ाया लिखा है। मैं संपूर्ण भारत साइकिल यात्रा कर रही हूँ। ये यात्रा मेरी 20,000 किलोमीटर की है और मेरी ये यात्रा मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के दिन भोपाल से शुरू हुई है और इसको फ्लैग ऑफ करने के लिए माननीय पर्यटन मंत्री सुश्री उषा जी ठाकुर ने फ्लैग ऑफ किया था। साथ ही उपस्थित थे मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के MD सर श्री शिवशेखर शुक्ला जी और AMD सर विवेक चौधरी जी और डिप्टी डायरेक्टर वो श्री उमाकांत चौधरी सर, इन्होंने ही मेरी यात्रा को फ्लैग ऑफ किया था। साथ ही मैं यात्रा पूरे भारत में 28 राज्यों में करने वाली हूँ। मेरी यात्रा का उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड का प्रचार प्रसार, साथ ही हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर, हमारा रहना खाना, इन सब का प्रचार मैं करने वाली हूँ। साथ ही मतलब जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण को लेकर हमें कोरोना जैसी महामारी का सामना करना पड़ रहा है, ऐसी महामारी ना दोबारा ना आए, ये भी मेरा उद्देश्य है। और साथ ही नारी सशक्तिकरण को लेकर कि महिलाएं ये नहीं कर सकती, महिलाएं वो नहीं कर सकती, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तो महिला सुरक्षा की बात करूँ तो हमारा मध्य प्रदेश का, हमारा भारत इतना सुरक्षित देश है कि मैं अकेले सोलो राइडर होते हुए मैं अकेली यात्रा कर रही हूँ और फिर भी मेरी सुरक्षा का काफ़ी ध्यान रखा जा रहा है। शासन प्रशासन और हर कोई मुझे मदद कर रहा है, इसलिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगी मध्य प्रदेश को और हमारे भारत देश का कि नारी हर जगह सुरक्षित है। बस आप कुछ करने के लिए ठानिए और करके दिखा दीजिए। इस यात्रा को निकालने से पहले आपको किसने प्रेरित किया है? मेरे को इस यात्रा से निकालने से पहले मेरी